राम राम ये के सामने किकअप करने के लिए रेडी आप पापा इस तरह के गेम के फ्लोट करते देखे और देखते देखते पड़ता में स्वर नगर में सफल होता हुआ ब्लैक डायमंड सिटी ब्लैक डायमंड के खिलाड़ी मिस्टर पड़ता में स्वर ये साथ से मैच पर ब्लैक डायमंड व्यापी मैच और किसी से कमी आपकी प्रशंस नहीं करते महसूस नहीं करते या टीम भी न्यू आजाद एफसी नालिता इस टीम में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है आमिर खान है सलमान खान है लेकिन अभी खतिशील मैच पर नहीं खेल रहे हैं। फिर से मौका बच सकता है जैसे नवाजी गारा काफी कोशिश रहा है जयपाल जैसे नंबर 11 की बात करें जयपाल और जैसे नंबर 10 की बात करें तापेश मोक की आवश्यकता है मोक की आवश्यकता है फेरेसर प्याल नहीं गई ब्लैक डायमंड मुख के साथ साथ में जान भी चाहिए और जान के साथ साथ में मुख करके लगी है पैरों में कोई कमी नहीं कि सचिव सदस्य अगर पेनल्टी एरिया में गए थे तो एक बार आ करके रिपोर्ट दे देंगे कौन सा टीम जीता है या अब तक ये डिसीजन नहीं हुआ है हमारे इस मुख्यमंत्री से रुको जरा सब्र करो सुपर एफसी पकड़ो था ना थैंक यू चलिए सुपर एफसी इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है पकड़ो था ना यानी सेकंड राउंड में जगह बना चुके हैं अगला राउंड में सुनिश्चित कर चुके हैं अपने टीम के साथ चलिए बधाई हो संघर्ष करना होगा यह टीम में नलिता की ओर से क्योंकि एक स्कोर खाने के बाद जब भी टीम में लड़खड़ाते नहीं है टीम बेहतरीन फुटबॉल की मैच को खेलते हैं जिस पर करके अभी मेहनत करें उससे आपको तीन चार गुना मेहनत अधिकतम करना होगा तब आपके स्कोर लाइन यानी विपक्ष के स्कोर लाइन तक आप पहुंच सकते हैं इजीली पॉइंट आराम से बोलते हैं कि अच्छे तालमेल के साथ फुटबॉल की मैच लगा होगा मनोज जी बिल्कुल यहाँ पर देखा गया जिस तरह से गोल आई थी काफी सरकार यहाँ पर शॉट नहीं गई थी जरूर जिस तरह से शॉट बिल्कुल कोटे के बिल्कुल नजदीक से दूसरे हुए गोल पर सरकार चली गई थी और वह देखने वाली बात है क्या कर लेते हैं अपन यहाँ से किस तरह का खेल आप दिखाते हैं बेहतरीन मौका मिला एक काम पर जैसे नंबर 16 और गेम प्रवेश भी किया लेकिन सुदेश समझ सामने है गोलकीपर सुदेश बेहतरीन बचाव करने में सफलता की ओर तभी बेहतरीन तरीके से तालमेल बनाने के खिलाफ पर इस समय गोल खाने के बाद टीम के बात करें नियोज फुटबॉल क्लब नालिता अच्छे खाते के साथ आगे के खेल को बढ़ाने की कोशिश मौका बन सकता है लेकिन गोलकीपर साहब ने चतरे के साथ फुटबॉल को पॉन्चर करने में सफलता की और सुदेश की सुदेश सामान ब्लैक डायमंड काला सोना थोड़ा की ओर से नालिता की ओर से नालिता न्यू आजाद फुटबॉल क्लब नालिता आजाद महसूस कर रहे हैं लेकिन थोड़ा से बंधन महसूस कर रहे हैं इस समय
आजाद के नाम से टीमों का गठन, लेकिन इस समय थोड़ा से बंधन महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक ईश्वर खाने के बाद एक बेहतरीन करने की प्रयास कर रहे हैं, मैच एक रमज की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले सिटी आई है, उससे पहले सिटी आई डायमंड सिटी और मेज की चाबी, चलिए मेज का चाबी जहां पर खाना बांटा जा रहा है उस मेज का चाबी किसी के पास है तो हम लोग से निवेदन है भाई मेज का चाबी मेज पर लेकर के जाए। हमारे बहुत सारे इस कमेटी का मेंबर्स क्या है भोजन करने के लिए खाना खाने के लिए, अगर आप इधर उधर मेज को देख रहे हैं दादू बुरा मेज का चाबी आपके पास है, चलिए आपसे निवेदन है आप मेज पर चाबी लेकर के जाए, जल्दी करके लेके जाए, सिकड़ा करके हाँ पेटू अगर प्लेस पर सुनवा चाहते क्यों थे पेटू जी अब एक तालिके कंजी बना लेंगे थोड़ा थोड़ा अब एक प्लेस जितना क्या दोगे अब एक प्लेस से ना बोल चाहते एक क्या थे अभी संघर्ष रहा है मनीष जोर टीम की ओर से और संघर्ष का जो फल जो बेनिफिट है जो मेहनत का परिणाम है ओनली ऑन इस समय बड़े कैबिनेट सिटी को मिलता हुआ और बिल्कुल यहाँ पे सभी आपको एक बेहतर और प्राइस यहाँ तक के रूप में आप हमारे इस हॉल में स्पोर्टिंग क्लब और आदिवासी शिवालय को लोग इस मैदान पर अपने टीम को विजय प्राप्त कर रहे हैं और कहते हैं ना कि बार बार अब कोई भी चीज अगर बार बार अगर प्रयास कर जाता है ना तो चीज सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और निश्चित तौर पर दोनों टीम और यहाँ पर कसमकश मुकाबला पूरी तरह से मेहनत लगे हुए दोनों टीम नारायण पीटो किए कार्यक्रम पर गेंद बनाने की कोशिश जैसे गति लेने क्रम पर जश्न नंबर पांच इस समय लाल सिंह फुर्ती और काफी फुर्तीली के साथ मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए वही अगर बात करें मनीष प्रतियोगिता जो कि कुल्हान की सुप्रसिद्ध फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक मानी जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा है, मौका बन सकता है काफी करीब से गेंद को पुश किए तप्पे ने बेहतरीन बॉल यानी सेकंड स्कोर अपने टीम के लाने में सफलता की से गेंद को अपने पाले पर लेंगे। यह समाज से जुड़ रहा गोलकीपर मकदोर के स्कोर की बढ़ती पर इस समय गतिशील मैच शुरू कर रहे हैं या टीम एस सी आर्मी एफ सी पिछले क्रम की जर्सी पर आप देख सकते हैं या सीआरमी एफ सी आपकी दुआ है बड़ी आज ब्लैक डायमंड के नाम से यहाँ पर नामांकन कराए हैं और जब जब यहाँ कोच लेकर के आते हैं और जीत की सोच के साथ एक बेहतरीन फुटबॉल की मैच खेल रहे हैं और कुछ साल पहले सीआरएमसी के नाम से इस टूर्नामेंट पर भी काफी रोमांच की फुटबॉल की मैच को खेला है। आपको याद होगा मनीष वो खिलाड़ी मार्कस गांधी छमछमाती साइकिल मैन ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द सीरीज कुछ डोनेट किया गया था इस टूर्नामेंट से और वो टूर्नामेंट में से एक खिलाड़ी है लेकिन आज अभी तक के प्रवेश नहीं किया मैदान के अंदर एक स्ट्रक खिलाड़ी के तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्कस फुर्ती एक बेहतरीन फुटबॉल की मैच को खेला था इसी मैदान में और इसी मैदान से दो साल पहले क्या है
खेलने के नतीजे समय वृद्धि पर टीम की बात करें ब्लैक डायमंड अच्छे बेहतरीन और अच्छे वापस से ही गोल लगने में सफलतापूर्वक पूर्ण टीम की बात करें गाली का जिस पर ये खिलाड़ी थोड़ा सा हाथ लगा के परिचय दे दे तमाम दर्शकों को और साथ साथ हमें भी जो स्कोर किए थे स्कोर में स्कोर दाता जैसी नंबर क्रॉस करते हैं हमारे मुख्य मंच की ओर जैसी नंबर पांच की बात करें मिस्टर लाल सिंह फुर्ते क्या कमाल है यहाँ पे चरण जी जिस तरह से मलिका की टीम ने क्या बड़ा एक गोल के साथ अपने टीम को यहाँ पे निकाले हैं यहाँ पे देखने वाले बात है क्या अपने टीम को होना आप दो गोल कर पाएंगे देखने वाली बात है देखिए दोनों टीम अब काफी कसमत से मुकाबला यहाँ चलता हुआ और अटेम करने के क्रम पर देखिए चलिए मनीष जी काफी रोमांचक फुटबॉल के मैच हो रहा कमेंट्री के जगत हमारे बीच आगमन हो चुके हैं गुरु के समान हमारे आदित्य कुमार पाल जी का हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं आदिवासी उच्च विद्यालय टकलो और साथ में हमारे टकलो और साथ में हाजिर की ओर से तीन दिवसीय फुटबॉल के प्रतियोगिता में आज सेकेंड दिन है सेकेंड दिन में भी अपने बहुमूल्य समय को देकर के उनका आगमन हो चुका है चलिए उनको हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं आदित्य कुमार पाल जी ज्यादा कुछ हम रोकना नहीं चाहेंगे हम लाइव कमेंट्री पर जोड़ना चाहेंगे आदित्य कुमार पाल जी स्वागत है आपका सर बैकग्राउंड पर दोनों टीम के बीच मैच खेला जा रहा है तो एक की स्कोर लाइन दो स्कोर की बात करें ब्लैक डायमंड से तीसरा में और एक स्कोर की कुछ उत्कृष्ट बातों को साझा करने के प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सर्वप्रथम मैं आयोजक कमेटी परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने पूरी सफल सुखद और अति आनंद में पूरी त्याग निष्ठा पूरी समर्पित भाव से प्रतिस्पर्धा की आयोजन करी आयोजक पोलैंड स्पोर्टिंग क्लब एवं आदिवासी विश्वविद्यालय चौकलो माधव के संयुक्त प्रधान से ये प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष भी सर्वप्रथम ब्लैक डायमंड एंड न्यू आजादी मैदान पर पूर्व घटित और स्वचालित तमाम इंसिडेंट को तमाम कहानियों को अपनी सुंदर वाणी और स्वादिष्ट वचनों से क्या ही खूबसूरती इस प्रतिस्पर्धा की जो रोमांच भरी मैच
आपकी सुंदर वाणी से तमाम क्षेत्र के क्षेत्रियों काफी दूर दराज से आए ढोल के साधकों को आपने इस कदर आकर्षित किए और इस कदर प्रभावित किए मानो उत्सवों के कारण जो है और स्वतः आकर्षित और इसमें इसके तत्पश्चात जय जगन्नाथ पुरी एंड सनी ब्रदर्स जय जगन्नाथ पुरी एंड सनी ब्रदर्स नॉर्मंडी एक दूसरे के खिलाफ आमने और सामने हार और जीत की कसौटी। फिलहाल ब्लीक डायमंड एंड न्यू अजानेब से ललिता के मध्य क्या ही सुंदर मैच। न्यू अजानेब से ललिता एक स्कोर करी है और वहीं ब्लीक डायमंड की टीम दो स्कोर यानी दो एक ही भिड़ंत इस वक्त और दोनों ही टीमों में कई पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ नए चेहरे भी पूरी तरह से रेखा में करी थी। ललिता लेकर गेंद को लेकर आगे आए जरूर लेकिन वहां से गेंद को क्रॉस डालना चाहते थे ऑन द ग्राउंड डाले जरूर लेकिन कोई साथी खिलाड़ी वहां ना मौसम होने के कारण। और चले मैं आपको याद दिला दूं चारों ओर ठीक हम दक्षिणी छोर पर देखें जो रेफरी मंच बनी हुई है और रेफरी मंच के दाएं ओर कई सारी कुर्सियां जो है बिछाई गई बिल्कुल आप लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। महज 20 रुपये की सहयोग राशि देकर आप लोग राजा और महाराजाओं की भारतीय सिंहासन पर बैठकर इस मीच का दिला रहे हैं। महज सहयोग राशि 20 रुपए आप अपना चेयर जो है इस मीच का दिला रहे हैं ये तो और कई सारी मीचेस अभी भी बाकी द्वितीय चक्र के लिए चार बनी हुई और इसके पश्चात एक और बड़ी मैच बहुत बड़ी मैच खेली जाएगी जो जय जगन्नाथ पुरी एंड सनी ब्रदर्स नोमंडी के बीच ना भूलिएगा चलती हुई मैच के तत्पश्चात एक बड़ी मुकाबला और एक अच्छी ये टीमें जो है जानी जाती है जय जगन्नाथ पुरी एंड सनी ब्रदर्स नोमंडी। टाइम बनो अंजा अंजा जोर पे पहली जीत टाइम बनो सॉरी।